हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं एक और लॉन्ग ट्रिप पे। सो नॉट टेकिंग आवर कार दिस टाइम, बट हम लोग जा रहे हैं बाय फ्लाइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यू नो एडवेंचरस एंड डेंजरस ट्रिप्स। सो हम लोग जा रहे हैं, आपने गेस कर दिया होगा, स्पीति वैली। तो चलिए फिर निकलते हैं इधर से, पहले फ्लाइट पकड़ के बैंगलोर दिल्ली, फिर दिल्ली टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ से बाय रोड काजा। चलिए फिर निकलते हैं, ये बहुत एडवेंचर्स एंड बहुत अमेजिंग ट्रिप होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए फिर निकलते हैं। अपना कार भी पूरा रेडी है, लगेज वगेज पूरा लोड करके हम लोग एयरपोर्ट पे ही छोड़ देंगे गाड़ी को। सो नाउ इट इज 3:15, मतलब सुबह का या फिर रात का ही कह लो। द डेट इज 29th अप्रैल, मंडे। चलिए फिर निकलते हैं। जा रही है हमारी गाड़ी अभी, वो एयरपोर्ट के पार्किंग में ही रहेगी। तो चलिए फिर चलते हैं। ये है T2 बाहर से। एकदम ब्रांड न्यू T2। तो फर्स्ट टाइम हम लोग T2 से ट्रैवल करने वाले हैं, एक्सपीरियंस देखते हैं। चलिए फिर। चेक इन डन, अभी सिर्फ सिक्योरिटी चेक इन रह गया है। तो ये रहा हमारा बोर्डिंग पास विस्तारा। फर्स्ट टाइम हम लोग विस्तारा में ट्रैवल करने वाले हैं। तो चलिए फिर सिक्योरिटी चेक इन के बाद ही मिलते हैं आपसे। फाइनली सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया, अभी गेट की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा गेट है D11। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये सब मतलब वही ड्यूटी फ्री स्टोर्स वो सब है, बहुत अच्छा बना के रखा है T2। ऊपर देखिए पूरा मतलब बैम्बू का इस्तेमाल किया गया है। बाहर देखिए कितना मस्त सा सनराइज हो रहा है, और इधर दूर आप देख सकते हैं एयर इंडिया का A350 एयरलाइन, बहुत अच्छा है। फाइनली हम लोग बोर्ड करने जा रहे हैं अपने फ्लाइट में। तो ये है हमारा फ्लाइट, इस तरफ है एयर इंडिया का, एंड ये है T2 का अराइवल। चलिए फिर प्लेन को बोर्ड करते हैं। इस तरह के इकोनॉमी फ्लाइट में आपको यहाँ पे एक USB चार्जिंग का पोर्ट भी मिल जाता है, यहाँ पे एक फ़ोन होल्डर, ये एक फ़ोन होल्डर है, एंड यहाँ पे एज यूजुअल सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कार्ड्स, मैगजीन्स वगैरह। तो हमें एकदम विंडो साइड मिल गया है।
ग्लास थोड़ा क्लीन कर सकते थे यू नो, बट ठीक है फिर भी काम चल जाएगा। गुटखा जैसे तम्बाकू पदार्थों का सेवन में वर्जित है। सभी शौचालयों में धूम्र संवेदक यंत्र लगे हैं। मोबाइल फोन सराहनीय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग फ्लाइट मोड में किया जा सकता है। आपके और सहयात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़े आकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे की लैपटॉप का उपयोग, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक। ब्रेकफास्ट टाइम, ये है वेज मील, आलू के पराठे, चने, बन एंड पानी। और ये है नॉन वेज मील, ऑमलेट, व्हाट इज दिस, ऑमलेट बन एंड सेम। तो चलिए फिर मील को एंजॉय करते हैं।
एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे। कल मैंने व्लॉग यार ठीक से एंड ही नहीं किया था क्योंकि इधर होम स्टे पहुँचते पहुँचते 10 बज गया था। तो दिल्ली का फ्लाइट थोड़ा डिले था, मतलब बैंगलोर टू दिल्ली जो हम लोग आए वो 20 मिनट्स का डिले था। फिर दिल्ली टू चंडीगढ़ वो भी डिले हुआ, मतलब वो थोड़ा लेट से उड़ा, पर 10 या 15 मिनट्स अर्लियर ही वो लैंड कर गया चंडीगढ़ में। तो उतरते ही हम लोगों ने टैक्सी पकड़ लिया। टैक्सी पकड़ के हमें ऑलमोस्ट 6 से 6.5 घंटे लग गए इधर आते आते। तो रात हो गया था, बारिश भी होना शुरू हो गया था, मतलब शिमला से ही, इधर से शिमला अराउंड ज़्यादा नहीं 60 to 70 किलोमीटर्स होगा, तो उधर से बारिश होना शुरू हो गया था। तो पहुँचते पहुँचते 10 बज गया था। फिर खा के एकदम सो गए मस्त, अभी उठे हैं। आज नेक्स्ट डे है, तो मतलब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। फिर आप नेक्स्ट व्लॉग में इस आज के दिन का टूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। सो आपको कैसा लग रहा है सीरीज, आप प्लीज कमेंट्स में बताएगा। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। व्लॉग को एंड करता हूँ एक बढ़िया से नज़ारे से। ये देखिए हमारे होम स्टे के बाहर का व्यू। चलिए फिर आप आगे का टूर प्लान नेक्स्ट वीडियो में देखिए। बाय बाय। हेलो।